मैं आपको मॉडल सेट 677 सोल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है, वन टन रेफ्रिजरेशन इम्पाइल्स टू कूलिंग इफेक्ट इक्वल टू, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इम्पाइल्स टू कूलिंग इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है हमारा, 200 BTU पर मिनट के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, इन अ वाल मिल और पेबल मिल मोस्ट ऑफ द साइज रिडक्शन इज डन बाई। तो हम लोग इस इन सब प्रोसेस में साइज जो कम करते हैं वो किसके सहायता से करते हैं, इम्पैक्ट की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज 1.95 ग्राम पर सीसी, द पोरोसिटी ऑफ द बल्क इज 36%, द बल्क डेंसिटी ऑफ द पोरोसिटी प्रोड्यूस इज। तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, 1.25, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, परसेंटेज ऑफ फैट इन बटर इज। तो हमारे बटर में कितना परसेंट रहता है फैट का, 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मच स्पेस द मिल्क पाउडर टेक्स अप एज कंपेयर टू मिल्क, 1/8, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोइल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4, पीएच ग्रेटर देन 8.5 एंड ईएसपी ग्रेटर देन 15 इज नॉन एज। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोडिक अल्कलिक सोइल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, प्रेशर को जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, अ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हैविंग साइज ऑफ द फाइन ड्रॉप इज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोल देंगे, ड्रिजल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, द इवोपो ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट। तो इवोपो ट्रांसपिरेशन हम लोग किसमें मेजर करते हैं, लाइसीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर इसका 9 नंबर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड टू एक्यूमुलेटेड द एम्बैकमेंट हाइट अगेंस्ट। तो फ्री बोर्ड हम लोग किस लिए लगाते हैं, जिससे ओवर टॉपिंग ना हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द लाइन ऑफ इक्वल डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज। तो प्रेसिपिटेशन की इक्वल लाइन को हम लोग किससे दिखाते हैं, आइसोहाइटस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहाइटस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, रेशनल फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। तो रेशनल फार्मूला में क्या कैलकुलेट करते हैं, पीक डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, TDR एंड टेंसियोमीटर इज यूज टू मेजर। तो ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंड इरोजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कैरीड आउट बाई,
किसके द्वारा होता है? सल्टेशन, सरफेस सस्पेंशन या सरफेस क्रीप, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सूत स्पिलवे इज सूटेबल इन। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? स्टीप स्लोप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो कहाँ लोकेटेड है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द ड्रॉप हेड ऑफ ड्रॉप स्पिलवे इज कितना होता है? लेस देन 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द इमीटर डिस्चार्ज ऑफ ड्रिप इरीगेशन इज कितना होता है? 2 से 10 लीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ट्रेसिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन द एरिया ऑफ। तो ट्रेसिंग कहाँ करते हैं? जहाँ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ड्रेनेज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द। ड्रेनेज डेंसिटी हमारी क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम टू टोटल एरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल। तो डार्सी लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है? लेमिनार फ्लो के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वाटर हॉर्स पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एट 10 लीटर पर सेकेंड एंड 38 मीटर टोटल हेड विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रोपेलर पंप इज सूटेबल फॉर। प्रोपेलर पंप कहाँ लगाते हैं? हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल हेड ऑफ प्रोपेलर पंप इज। तो प्रोपेलर पंप का टोटल हेड कितना होता है? 1 से 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट इज पोरोसिटी इफ पार्टिकल डेंसिटी 2.67 ग्राम पर सीसी एंड बल्क डेंसिटी 1.45 ग्राम पर सीसी। तो इसकी पार्टिकल डेंसिटी पोरोसिटी कितनी आ जाएगी? 46। ऑप्शन नंबर डी। फिर है हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो हाइड्रोमीटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सोइल टेक्सचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अ सोइल सैंपल हैज पोरोसिटी ऑफ 40%, इट्स वाइड रेशियो इज। तो इसका वाइड रेशियो क्या होगा हमारा? 0.66। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हाइड्रोलॉजिकल फ्लड राउटिंग मेथड यूज कहाँ यूज करते हैं? तो ये क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चन बोथ है, मोमेंटम एंड क्वांटिटी क्वेश्चन दोनों के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मॉडल सेट है 7, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो हम किस पे डिसाइड करते हैं? गली विड्थ स्लोप पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर डिजाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिक सबको कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस व्हेन द फ्लो इंटायर फ्रॉम। हाइड्रोलिक जंप कब होती है? जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गली डेवलपमेंट इज अकॉम्प्लिश्ड अंडर कितने में होती है? तो ये होती है हमारी 4 स्टेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द, तो सीपेज प्रेशर हमेशा कब कहाँ लगता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फॉर सोइल कंजर्वेशन पर्पज द लैंड इज यूजली क्लासिफाइड इन, कितने क्लास में क्लासिफाइड की गई है, तो 8 क्लास में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झूम कल्टीवेशन इज नॉर्मली प्रैक्टिस इन, किस पर कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एलवीडीटी रिफर्स टू, एलवीडीटी क्या होता है हमारा, नन ऑफ द अबव इसमें दिया है, एलवीडीटी हमारा लो वायलेट ऐसा कुछ होता है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, बिलिंग ऑफ टाइल्स रिफर्स टू, इसका मतलब बिलिंग ऑफ टाइल्स रिफर्स टू, इसका मतलब हो जाएगा कवरिंग द टाइल्स विथ लूज अर्थ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन डिपेंड अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द रेन ड्रॉप में हैव वाटर पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर, कितना होता है, तो 0.5 से 6 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द साइज ऑफ ड्रिजल फॉर यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, लेस देन 0.5 mm, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पेनमैन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द इवेपोरेशन फ्रॉम अ फ्री वाटर सरफेस इज बेस्ड ऑन, एनर्जी बैलेंस या मास ट्रांसफर, तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वाटर ईयर रिफर्स टू, वाटर ईयर कब होता है, 1 जून से 31 मई तक, 1 जून से 31 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, टर्बाइन इज यूज टू कन्वर्ट, तो टर्बाइन क्या करता है हमारा, हाइड्रोलिक को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट, सिल्ट के लिए पार्टिकल साइज कितना होता है, 0.02 से 0.002 mm, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इंटेंसिटी ऑफ ड्रेजल इज, इंटेंसिटी क्या होती है ड्रेजल की, 1 mm पर आवर, लेस देन 1 mm पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एसिडिक सोइल इज रिक्लेम्ड बाई, जो एसिडिक सोइल है उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट साल्ट टॉलरेंस क्रॉप इज, मोस्ट साल्ट टॉलरेंस क्रॉप कौन सी है हमारी, तो वो है बार्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, चार्टोमीटर इज यूज टू मेजर, किस लिए यूज करते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रीम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप्स डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करती है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ड्रॉप डायमीटर, रेनफॉल इंटेंसिटी, तो ये हमारी सभी पे डिपेंड करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन,
स्पेसिफिक डिस्चार्ज, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच नाइदर ट्रांसमिट एंड नॉट एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड। तो हमारा क्या होगा, एक्यूफ्यूज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्रिटिकल डायमीटर ऑफ क्लॉक लीक इज प्लेस व्हेन विंड इरोजन इज, क्या होता है? तो ये हमारा हो जाएगा 0.84 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। फाइन क्ले पार्टिकल हैव लो डिटेचेबिलिटी बट हाई ट्रांसपोर्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। रेशनल फार्मूला इज अप्लीकेबल व्हेन कैचमेंट साइज इज, कितने होने चाहिए? लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर्म्ड व्हेन द कैचमेंट एरिया इज, कितने होने चाहिए? तो 5000 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द रेंज ऑफ सी फोर फॉर द वेंचुरी मीटर इज, कितनी होती है? 0.95 से 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोमीटर यूज टू फॉर मेजरिंग, तो रोटोमीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं? डिस्चार्ज ऑफ फ्लूड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। हाइपोसमेट्रिक कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन, किस चीज का ये रिलेशनशिप शो करता है? तो रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव एरिया शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। द परमेबिलिटी ऑफ एक्यूपर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। हाउ मच ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, 3%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ए पाइप फॉलोइंग इन फुल, ऑप्शन नंबर ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर, ऑप्शन सी सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द कॉन्सेप्ट यूज टू इल्यूबेट द स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इज, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फ्लो इन इरीगेशन चैनल इज एज्यूम्ड एज, इरिगेशन चैनल में जो फ्लो होता है उसको हम कैसे एज्यूम करते हैं? यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गेवियंस आर यूज्ड फॉर, तो गेवियन हम लोग कहाँ बनाते हैं? गली स्टेबलाइजेशन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। और राइस फील्ड इज इरीगेटेड बाई, तो राइस फील्ड किससे इरीगेटेड करते हैं? बेसिन इरीगेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। द रन ऑफ फ्रॉम ए वाटर शेड ऑफ 18 हेक्टेयर एरिया हैविंग रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर आवर, रन ऑफ कोफिशिएंट इज 0.3 इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 m³/s, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर 10 L/s अगेंस्ट द टोटल हेड ऑफ 7.5 m, द वाटर पावर इज,
कितनी लगेगी? 746 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, द कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू टू टी की पावर 0.5, आई इन द सेंटीमीटर एंड टी इन द मिनट। द इंस्ट्रूमेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट एट 4 मिनट फॉर द स्टार्ट विल बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इन सीटू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाई परमियोमीटर, से डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, नहीं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर होल मेथड, अंगूर होल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कंबाइन यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंजक्टिव यूज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, प्रिसीजन व्हील इज या, तो प्रिसीजन व्हील क्या करती है? वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इफ द स्पीड ऑफ रोटर ऑफ पंप इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स देन द पावर ऑफ द पंप विल बी इंक्रीज बाई, कितना हो जाएगा? नन ऑफ द अबव इसमें आंसर हो जाएगा। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इफ बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज गिवेन एज 600 केजी पर मीटर क्यूब एंड ट्रू डेंसिटी इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इट इज पोरोसिटी विल बी, तो पोरोसिटी कितनी होगी उसकी? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नेट इरिगेटेड एरिया मिलियन हेक्टेयर एंड अरेंज ऑर्डर टू सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 46 नंबर का, 64 ट्यूबवेल ग्रेटर देन कैनाल, कैनाल ग्रेटर देन डगवेल, डगवेल ग्रेटर देन टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द हाईएस्ट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो सबसे ज़्यादा किसकी कैपेसिटी होती है? फॉरेस्ट लैंड की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 48, इफ द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज 30% मॉइस्चर बिफोर द इरीगेशन इज 20, द अपेरियंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोइल इज 1.6, रूट जोन डेप्थ 1 मीटर एंड डेली कंजप्टिव यूज इज 8 मीटर, द इरीगेशन इंटरवल इज, तो इसका इंटरवल इरीगेशन क्या होगा? 20 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, साइलिन लैंड आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन विच आर, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग 3 लीटर 300 लीटर पर मिनट अगेंस्ट द हेड ऑफ 50 मीटर अज्यूमिंग अ पंप एफिशिएंसी 65%, तो इसके लिए हमको 5 HP का मोटर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पाउंडल इज यूनिट ऑफ, तो ये हमारी किस चीज की यूनिट है? फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द वेलोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देयर फॉर परमेबिलिटी इंक्रीज विथ इन टेम्परेचर, तो इसमें दोनों जगह पे इंक्रीज ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन।